कोई स्कूल बच्चे को कुछ नहीं कर सकता, कोई स्कूल बच्चे को फीस के लिए बोल भी नहीं सकता। अगर आपका स्कूल आपसे फीस और एनुअल चार्जेस जब मांगता है, सबसे पहले उनसे JKFFC का अप्रूवल मांगिए। यहाँ पे प्रिंटिंग चार्जेस के नाम से लूटा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के फीस के नाम से लूटा जाता है, एडमिशन, री एडमिशन, कैपिटेशन, स्मार्ट क्लासेस, लैब चार्जेस, कुछ भी नहीं स्कूल ले सकता। जम्मू कश्मीर में त्राहिमाम मचा हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट के DC जो है वो ग्रीविंग सेल बना रहे हैं, किसके लिए? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, कि यहाँ के पेरेंट्स मेरे को कंप्लेने कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के ZDO CO क्या तमाशबीन बने हुए हैं? कोई स्कूल जो है बिजनेस कर नहीं सकता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चल सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करना है तो वो रेडी लगा ले, कोई कुछ कर ले, लेकिन बिजनेस स्कूल में नहीं कर सकते, स्कूल बिजनेस नहीं बना सकते। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। कई स्कूल 4,000 लेना था तो 9,000 ले रहा है, कई स्कूल ऐसे हैं जो 2,000 लेना था तो 5,000 ले रहा है, यानी कि छोटे से छोटा स्कूल और बड़े से बड़ा स्कूल लूटते आ रहा है। लेकिन मेरा नाम अमित कपूर है, 9419191894 मेरा नंबर है, पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू, जहां पे भी आप बोलेंगे मैं आने को तैयार हूं, लेकिन अपने बच्चे को, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाइए, सामने आइए, मैं आपके साथ हूँ, कोई आपको रोक नहीं सकता। प्राइवेट स्कूल में बच्चों से ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, अलग अलग फीसों के नाम पर जो है वो लूट घसूट की जा रही है, ये कहना है अमित कपूर जी का, जो कि पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट हैं। आज ये कटरा पहुंचे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, जय माता दी। आपसे जानना चाहूँगा कटरा आज आप आए, क्या क्या मेन मुद्दे थे जिन पर आप बात करना चाहते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूँ कि हर एक पूरे जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम स्कूल्स, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी CBSE स्कूल हैं, अगर मैं मैक्सिमम स्कूल्स की बात करूं तो मैक्सिमम स्कूल्स क्या है, बुक्स के नाम पे लूट लिया पेरेंट्स को, यूनिफॉर्म के नाम पे लूट लिया, और तो और पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स अपनी मनमर्जी की लगाई गई, बुक्स के नाम से 5,000 से लेकर 10,000 का सेट जो है इन्होंने सेल किया और लूट लिया पेरेंट्स को। पेरेंट्स बेचारे को पता ही नहीं चला कि क्या ऑर्डर्स हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि पेरेंट्स मजबूर है, पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पढ़ाना है। इसी तरह फीसों के नाम से भी पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, एक्स्ट्रा फीसें ली जा रही हैं, जहां पे इनका अप्रूवल 1,000 पास हुआ है तो वहां 5,000 लिया जा रहा है, जहां पे 3,000 पास हुआ है तो वहां 4,000 लिया जा रहा है, इस तरह जहां 10,000 पास हुआ है तो 12,000 लिया जा रहा है। हर एक स्कूल का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर और अलग अलग अप्रूवल पास हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये स्कूल जो है ये मनमानी करते आ रहे हैं, और पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं है कि उन्होंने अपनी फीस जो प्राइवेट स्कूल की है वो कहाँ देखनी है, कितनी हुई है कितनी नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल और CBSE स्कूल और JK बोर्ड जो भी स्कूल है आपके, यहाँ पे जितने भी बोर्ड के स्कूल हैं, अगर आपका स्कूल आपसे फीस और एनुअल चार्जेस जब मांगता है, सबसे पहले उनसे JKFFC का अप्रूवल मांगिए। जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कानून बनाया है, उसके अलावा जिस तरह आप दुकान पे किसी शॉप पे जाते हो तो एक बॉटल पानी की खरीदते हो तो उसकी MRP देखी जाती है, 10 रुपये है या 20 रुपये है, आप 25 रुपये तो ले नहीं सकता दुकानदार, अगर 25 रुपये ले तो आप उसके कॉलर पे हाथ डाल देते हो। तो इसी तरह स्कूलों की फीस भी फिक्स करती है JKFFC, चाहे वो प्राइवेट, चाहे वो CBSE, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। मैं आपको बता दूं कि कटरा रियासी में आज मेरा आने का यही मकसद था कि हर पेरेंट्स अवेयर होना चाहिए, हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उसके स्कूल की फीस क्या फिक्स हुई है। 9419191894 मेरा नंबर है, 9419191894 मेरा नंबर है। अगर आपको आपका स्कूल फीस फिक्स हुई नहीं बताए, अप्रूवल नहीं बताए जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी का, तो आप मुझसे अप्रूवल ले सकते हैं, और जिन स्कूलों ने अप्रूवल नहीं लिया तो उसकी फीस रोक दीजिए, क्योंकि वार्न कर दिया है कमेटी ने, 1 महीने का टाइम दे दिया है सभी स्कूलों को, जिन स्कूलों ने अप्रूवल नहीं लिया उसकी फीस रोक दी जाए, और जिन स्कूलों ने अप्रूवल लिया है वो उतनी ही फीस ले सकता है जो उस ऑर्डर में लिखी है। अक्सर देखा जाता है पेरेंट्स कई बार ये शिकायत लगाते हैं कि स्कूल जो है वो हमसे अलग अलग चीजों के नाम पर जो है वो पैसे लेते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी, तो जितना जो यूज करेगा वो देगा, ट्रांसपोर्ट जो यूज करेगा देगा, उसके अलावा स्मार्ट क्लासेस फीस नहीं ले सकता, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकता, एग्जामिनेशन फीस, अगर आपका बच्चा बोर्ड क्लास में है, उसका CBSE बोर्ड या फिर अपना JK बोर्ड, अगर उसने वो पेपर देने हैं तो वो जेन्युइन जो फीस है वो ले सकता है, बाकी वो अदर क्लासेस की फीस नहीं ले सकता। लेकिन मैंने सुना है यहाँ पे प्रिंटिंग चार्जेस के नाम से लूटा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के फीस के नाम से लूटा जाता है, एडमिशन, री एडमिशन, कैपिटेशन, स्मार्ट क्लासेस, लैब चार्जेस, कुछ भी नहीं स्कूल ले सकता, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये स्कूल वाले जो हैं सब कुछ लेकर पेरेंट्स को लूटते हैं और किसी को कोई पूछता तक नहीं। सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के ZDO CO
मुझे तो हैरानगी होती है कि यहाँ के पेरेंट्स मेरे को कंप्लेने कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के ZDO CEO क्या तमाशबीन बने हुए हैं, क्या देख रहे हैं? मैं DC कटरा अपने रियासी को देख पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या आपने आंखें बंद करी है साहब? जब जम्मू के DC, जब रजौरी के DC, जब सांबा के DC जो है वो ग्रीवियंस सेल बना सकते हैं, तो आपको बनाने में क्या प्रॉब्लम थी? जम्मू कश्मीर में त्राहिमाम मचा हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट के DC जो है वो ग्रीवियंस सेल बना रहे हैं, किसके लिए? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। तो आप डिस्ट्रिक्ट के रियासी डिस्ट्रिक्ट के आप DC हैं, आपको ग्रीवियंस सेल क्यों नहीं बनाया आपने? आपको ग्रीवियंस सेल बनाइए जल्दी से जल्दी, ताकि पेरेंट्स जो है आपको कंप्लेन कर सके, ताकि आपको बता सके किस तरह प्राइवेट स्कूल लूट रहा है उनको। लेकिन जब तक ये DC साहब नहीं जागते, तो मैं आपको कहता हूँ 9419191894 मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अपने स्कूल में फीस और एनुअल तब दीजिए जब आपके स्कूल वाला आपको JKFFC का अप्रूवल दिखाता है। अगर वो उतनी ही फीस लेता है जितना JKFFC के अप्रूवल में है, अगर वो नहीं दिखाता तो उसकी फीस रोक दीजिए, फीस मत दीजिए। कोई स्कूल बच्चे को कुछ नहीं कर सकता, कोई स्कूल बच्चे को फीस के लिए बोल भी नहीं सकता, कोई स्कूल जो है बुक्स का नेक्सस नहीं चला सकता, कोई स्कूल पर्टिकुलर बुक्स पे सेल नहीं कर सकता, लेकिन सब स्कूलों ने की और तमाशबीन बने ये CEO ZDO और हमारे DC। यही प्रॉब्लम है, ये लोग जो है ये तमाशबीन बने हुए हैं, इसी वजह से पेरेंट्स बेचारा लुटते आ रहा है। और अब हमने ये एक तय कर लिया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। आपको लगता है अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स में? अवेयरनेस नहीं है गांव देहात में, जो पेरेंट्स हैं उनमें भी अवेयरनेस नहीं है? मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सब चैनल वालों का कि आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कटरा में भी हम अवेयर करने आए हैं लोगों को कि कटरा और रियासी के लोग जो हैं वो अवेयर हो सके कि उनके प्राइवेट CBSE स्कूल वाले जो कितनी फीस ले सकते हैं और कितनी नहीं ले सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने फिर आया हूँ, 9419191894 मेरा नंबर है। प्राइवेट CBSE स्कूल अगर आपको फीस स्ट्रक्चर JKFFC का नहीं दिखाते, तो फीस रोक लीजिए उनकी, आप फीस इनको नहीं दीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम आती है मेरे से अप्रूवल लीजिए, अगर ये कुछ जिस स्कूल ने अप्रूवल नहीं लिया उसकी फीस रोक दीजिए उनको, JKFFC ने एक महीने। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में या जम्मू प्रोविंस में कितने ऐसे स्कूल हैं जो गाइडलाइंस को तोड़ रहे हैं और पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं? मैक्सिमम मैं आपको स्कूलों के नाम बताऊं, जम्मू में श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल है जिसने 9000 लेना था, टोटल तो 17000 ले रहा है। कई स्कूल 4000 लेना था तो 9000 ले रहा है, कई स्कूल ऐसे हैं जो 2000 लेना था तो 5000 ले रहा है, यानी कि छोटे से छोटा स्कूल और बड़े से बड़ा स्कूल लूटते आ रहा है। लेकिन जो एजुकेशनिस्ट के स्कूल हैं, जो बेचारे 200-300 रुपया फीस लेते हैं जी, उनके स्कूल बंद की तगार पे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स बच्चा भेजना पसंद नहीं करता, और ये बड़े स्कूल जो है बड़े स्कूल नाम से लूटते हैं, लुटेरे बने हुए हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि कोई स्कूल लूट नहीं सकता, कोई स्कूल जो है बिजनेस कर नहीं सकता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चल सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करना है तो वो रेडी लगा लें, कोई कुछ कर लें, लेकिन बिजनेस स्कूल में नहीं कर सकते, स्कूल बिजनेस नहीं बना सकते। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हमारे देश के कानून ने कहा है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है, तो फिर आप ना एजुकेशन के नाम से कैसे लूट सकते हैं? अगर देश को देश की तरक्की करनी है तो एजुकेशन और हेल्थ पे हमें सुधार करना होगा, और एजुकेशन का ब्यौरा हमने उठाया हुआ है। हम जहां जाएंगे, जहां आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, रियासी कटरा या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, कभी भी आप मुझे याद कीजिए। मेरा नाम अमित कपूर है, 9419191894 मेरा नंबर है, पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू, जहां पे भी आप बोलेंगे मैं आने को तैयार हूं। लेकिन अपने बच्चे को, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आवाज उठाइए, सामने आइए, मैं आपके साथ हूं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका नाम जो है वो भी गुप्त रखा जाएगा, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मैं बैठा हूं। आप 9419191894 फीस और एनुअल तब दे जब वो आपको अप्रूवल दिखाए, अगर वो अप्रूवल नहीं दिखाता प्राइवेट स्कूल वाला, CBSE स्कूल वाला, JKFFC का, उनके अपने बनाए हुए अप्रूवल नहीं चल सकते, जो उन्होंने अपनी फीस फिक्स की हुई है वो नहीं चल सकती। किसी स्कूल के पास अधिकार नहीं कि वो अपनी फीस फिक्स करे, कोई फीस के अधिकार नहीं कि वो अपनी फीस खुद बढ़ा ले, तो इसलिए आपको जागना होगा, मेरा काम है आपको अवेयर करना। जय माता दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित कपूर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो फी फिक्सेशन है वो जम्मू कश्मीर जो है उसको, उस पर भी जो है वो डायरेक्टर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उस पर भी ध्यान फरमाए, और DC रियासी से इन्होंने अपील किया कि आप भी जो है वो एक ग्रीवियंस सेल ज़रूर बनाए, जिसमें जो है वो अगर पेरेंट्स को कोई भी ग्रीवियंस है अपनी तो वो भी जो है ज़रूर आप तक पहुँच सके। देखते रहे न्यूज़ 85 राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।